हाय फ्रेंड, कैसे हो आप? कल है तीज, इसलिए आज हम मेहंदी लगा रहे हैं, तो हम मेहंदी लगाते हैं आज और आपको कल दिखाएंगे कि कैसी लगी है मेहंदी मेरी। फिर आप कमेंट करके भी बताना कि कैसी मेहंदी लगी है। मेरे बच्चे ही मेहंदी लगा रहे हैं मेरी। ये मेरा बेटा छोटा ये लगाएगा और मेरी बेटी ये लगाएगी। जैसे भी ये लगाते हैं मैं इनसे ही लगवाती हूँ हमेशा। तो कल मिलते हैं आपको। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? मैं सूर्यांश और मम्मी के मेहंदी लगाऊंगा। देखो इसे मैं किसी देख मैं बिना देखे लगाता हूँ एकदम अपने स्टाइल में। देखो आप भी लगवा सकते हो ऐसी मेहंदी। सब आपके हाथ देखते ही रह जाएंगे। मैं ऐसी मेहंदी लगाता हूँ और सब पूछेंगे मेहंदी किसने लगाई है। हमें भी ऐसी मेहंदी लगवाओ। ये देखो मेरा डिजाइन, यहाँ से सब नॉर्मल ऐसे ही लग रहा होगा कि मैं सिंपल लगा रहा हूँ, लेकिन एक तरीके का डिजाइन है। ज्योमेट्री की लाइन खींच दी है। ये देखना, अब आपको कुछ फर्क लग रहा होगा कि वाह क्या डिजाइन है ये, कि वाह क्या डिजाइन है। ओह माय गॉड, वाओ। गाइस ये देखो मेरी मेहंदी अभी धीरे धीरे कंप्लीट होना शुरू हो गई है। ये देखिए एकदम अलग डिजाइन बनाया है मैंने। अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना चैनल को और कमेंट करके बताना। अभी मैं थोड़ी और बनाता हूँ और इसे पूरा करता हूँ। और अब दीदी मेहंदी लगाएगी हमारी। ये देखो चेहरा इसका, अब ये मेहंदी लगाएगी। मैं हुई से, हाँ बस यहीं से, मैं बोलना जरूरी था अभी। हे फ्रेंड, ये मेरे बच्चों ने मेहंदी लगाई है। एक हाथ पर मेरे, देखो देखो फ्रेंड, मेरे बच्चे ने लगाई है मेहंदी। ये मेरे लड़के बेटे ने लगाई है, ये मेरी बेटी ने लगाई है। देखो कितनी अच्छी मेहंदी लगाई दोनों बच्चों ने। आप कमेंट करके बताना कि कैसी लगी है मेरी मेहंदी। मैं जानता हूँ ये वाली बहुत ज्यादा बुरी होगी, ये वाली बहुत ज्यादा अच्छी होगी। देखिए इस तरफ से भी, और ये भी काफी बहुत मेहनत की इन्होंने। तो प्लीज आप इनमें, ये दोनों दीदी ने लगाई है। और ये भी दीदी ने लगाई है, ये वाली मैंने लगाई। मुझे पता है कि ये वाली ज्यादा अच्छी होगी इन तीनों से। बाय। तो दोस्तों देखिए, मैं चूड़ियां भी लेके आई थी अपनी। देखो चालू कर दिया। देखिए अच्छी लगी आपको चूड़ियां, बताना कमेंट करके कैसी लगी मेरी चूड़ी। और मैं ये भी लेके आई थी अपने गले का भी, साड़ी के, इस साड़ी के साथ किए पहनने के लिए। आज ऐसी पूरे दिन भर मेरा टाइम गया काम करने में, ऐसे ही पूरा दिन गया मेरा आज। सुबह से काम किया, सफाई की थी मैंने, फिर अब तैयार हो गई हूँ। अब देखो आपको दिखा भी रही हूँ मैं कि क्या क्या मैंने पहना है। और अब शाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। शाम को पकवान बनाएंगे खाने के लिए, पूजा के लिए। फिर जब दिखाऊंगी आपको क्या क्या बनाया हमने। हाय दोस्तों, कैसे हो आप? देखो मैं तैयार हो गई हूँ, आज तीज है, मैंने मेहंदी भी लगवा ली अपने हाथों में, देखिए। और मैंने अपने सुबह के सारे काम ख़त्म कर लिए हैं, हम तैयार हो गए हैं। अब चाय पानी में तैयार हो गए हैं। देखिए मैं नई चूड़ियाँ भी लेके आई हूँ, साड़ी भी मैंने पहनी है आज, देखिए। और मैं नए झुमके भी लेके आई हूँ अपने। आप कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ।
मैंने साड़ी बड़ी मुश्किल से बांधी है, मुझे साड़ी आती नहीं है इतनी अच्छी बांधनी, लेकिन तीज पे साड़ी बांधी जाती है इसलिए मैंने साड़ी पहनी है। अब चाय बना रहे हैं हम। देखिए दोस्तों मेरी चाय बन चुकी है, अब हम चाय पी लेते हैं। मैं डाल देती हूँ अपने गिलास में, हमें गिलास में ज़्यादा अच्छी लगती है चाय, इसलिए मैं गिलास में पी रही हूँ। चाय बनाने के बाद मैं बच्चों का दूध बनाऊंगी, बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं दूध पीने के लिए। देखिए दोस्तों अब हम शाम के खाने की तैयारी करते हैं, उसके लिए मैंने आलू उबाल लिए हैं। ये देखो आलू रख दिए हैं मैंने उबालने के लिए, देखिए गैस के ऊपर रख दिए मैंने आलू उबालने के लिए। अब इससे हम कई चीज़ बना सकते हैं उबालने के बाद में, तो दिखाऊंगी आपको क्या क्या बनाएंगे। अभी स्टार्ट इसी से होएगा। तो गाइस ये देखो तैयारी हो रही है खाने की, देखो ये मम्मी लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना रही है कि कूट गए, तो ऐसे ही तैयारी चलेगी। और यहाँ पे आलू उबल रहे हैं, ये देखो सीटियाँ लग रही हैं यहाँ पे। तो गाइस नीचे चल रही है तीज की तैयारी, पकौड़े पकवान बनाए जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि छत पे ही चल लेते हैं आपके साथ। तो चलो छत पे चलते हैं, मैं अभी ऊपर वाले कमरे में था। तो गाइस हम छत पे आ चुके हैं और आपको पता है कि 15 अगस्त आने ही वाला है कुछ ही दिनों में। बहुत सारी पतंगें उड़ रही हैं, बहुत सारी उड़ रही हैं, और मेरा मन था, मैंने जब ये पतंगें देखी मेरा मन करा था पतंग उड़ाने का, और तभी मैंने ये देखा। ये देखो किसी की पतंग कट गए हमारे यहाँ पे गिरी हुई है, पता नहीं किस। इतनी खुशी मुझे आज तक इसकी कट गई, लेकिन कट के आ गई। अभी से ही हम 15 अगस्त पर उड़ाएंगे, ये देखो इससे ही अब 15 अगस्त को उड़ाएंगे, अब हम मजे करेंगे। और सब पतंगे उड़ा रहे हैं अभी अपने, देखो आसमान में पतंगे ही पतंगे, चारों तरफ पतंगे ही पतंगे, आसमान में कोहरा। गाइस सनसेट हो चुका है और हम हो चुका है नीचे जाने का, तो हम नीचे मिल जाते हैं इन 3 2 1। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। 1 हम आ चुके हैं अपने कमरे में नीचे वाले, और ये देखो यहाँ पे अभी तैयारी हो रही है अभी तीज की। ये देखो कचौड़ी का मसाला उतरा जा रहा है, उधर उधर पकौड़ों के लिए भी हैं, और वो आलू मैश करके रख दिए हैं। ये देखो ओह माय गॉड वाओ। दोस्तों अब मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैंने आज सुबह से साड़ी पहन रखी है दोपहर से ही, मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है साड़ी में खाना बनाना सारा काम करना, क्योंकि मैं साड़ी बहुत ही कम बांधती हूँ, किसी शादी वादी में या कोई फंक्शन हो तभी साड़ी बांधती हूँ, इसलिए आज मुझे बहुत मुश्किल हो रहा साड़ी में काम करना, लेकिन बनाएंगे क्या करें। हमारे इस ब्लॉग को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कमेंट करके जरूर बताना कि हमारी तीज की तैयारी कैसी लगी, और मेरी साड़ी और मेरा मेकअप कैसा लगा, मेरी साड़ी और मेकअप कैसा लगा और मैं कैसी लगी। मेरी तो गलती बता क्या है, ना मैं तो गलती है। क्या गलती है मम्मी, जब टाइम से कुछ खाएगा पीगा सारी गलती है। भाई क्या ना खाया बता, रोटी पानी तो ने दे दी, सब कुछ तो ने दे दी हैं, अब क्या ना खा बता। और ये पकौड़ों की तैयारी हो रही है, मम्मी तो अभी खुद ही पकौड़ा हो रही है।
बिना तेल में डाले चल रही है चली जा। और दोस्तों आज की तीज का त्योहार थोड़ा सा ठंडे बस्ते में जाता हुआ भाई, देखो बीमारी तो देखो दोस्तों सबको होती है ठीक है, पर ये कुछ गुस्से ज़्यादा करती है ये हमेशा ठीक है, और ये ऐसी ही करती है हमेशा, जब इसके ऊपर हम चिल्लाते हैं ना, जब ये कुछ नहीं कहती ये भी खुद ऐसी करती है, और अब पूरी लाल हुई पड़ी है। ये इन्हीं की बात कर रहा हूँ, ये देखो कहाँ है, ये देखो ये इस तरीके से गुस्सा करती हैं, पता नहीं क्यों क्या है क्यों। अरे भाई कोई ऐसी बात थोड़ी नहीं है, दवाई भी टाइम से खाई थी, सुबह भी खाई थी, अभी भी खाई थी, इसका फिक्र करने का थोड़ा तरीका ही अलग है। ये ऐसे फिक्र करती है, कढ़ाई सर में मारेगी फिर कहेगी ओहो अपनी टेंशन, ये कहती है अगर तुम ठीक नहीं हुए तो तुम्हें जान से मार दूंगी। ऐसा इसका प्यार, ऐसा मार और इमोशनल अत्याचार तरीका देख रहे हो, बिल्कुल मॉडलिंग कर रही है इस वक्त, कंधे अपने उस पे हाथ रखा हुआ है। चलो दोस्तों थोड़ी क्योंकि इतना सारा बनाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा इसे, लेकिन सामान तो अलग अलग करके बनाना पड़ता है। अब मैं सुबह से ही लगी हुई हूँ, आज तो मैं थक भी गई हूँ। अब तो दोस्तों व्लॉग को करते हैं सब, हैप्पी तीज, हैप्पी तीज, हैप्पी तीज, सबको हैप्पी तीज, और सबको हैप्पी तीज, और ये त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, और जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ और शेयर भी करना, जल्दी से जल्दी लाइक सबके लिए हैप्पी तीज, हमें 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाओ और उम्र चालकतर भाई और लाइक जरूर करा करो कमेंट के साथ साथ, जो लोग कमेंट करते हैं वो लाइक नहीं करते तो प्लीज लाइक करा करो। बाय 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 बाय।